सबसे बेस्ट टीम पॉलिसी एलआईसी की, जो मुझे लगता है कि आपको समझना बहुत जरूरी है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इन तीन में से आपको किस पॉलिसी में जाना चाहिए, कौन सी पॉलिसी आपके परिवार को सुरक्षित करेगी, आपके परिवार की फाइनेंशियल मदद करेगी। चलिए समझते हैं और समझते हैं इस सब पॉलिसीज का बेनिफिट। सबसे पहले वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या वाकई में आप अपने परिवार के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, क्या आप अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं, तो मुझे कमेंट करके लिखिएगा यस और नो। बात करते हैं एलआईसी की तीन पॉलिसी के बारे में। तीन पॉलिसी में लिख रहा हूं यहां पे, पॉलिसी नंबर वन, पॉलिसी नंबर टू एंड पॉलिसी नंबर थ्री। तीनों ही बेस्ट पॉलिसी है। इसके बाद में हम समझेंगे सबसे बेस्ट, इन तीनों में से सबसे बेस्ट पॉलिसी कौन सी मैं रिकमेंड करता हूं आपको, राइट। सबसे पहले दोस्तों यहां पर हम पॉलिसी नंबर वन समझते हैं, जो पॉलिसी है एलआईसी की जीवन लाभ पॉलिसी, जीवन लाभ। फिर हम इसको समझने के बाद पॉलिसी नंबर टू पर आएंगे, राइट। एलआईसी जीवन लाभ एक ऐसी पॉलिसी है जो आप बच्चे के लिए भी ले सकते हैं और आप अपने लिए भी ले सकते हैं, जिसमें मिनिमम जो एज है वो 8 साल से लेकर 59 ईयर तक की एज का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। पॉलिसी की डिटेल में नहीं जाएंगे, एग्जांपल समझेंगे कि अगर एक व्यक्ति जिसकी एज 30 साल है वो इन तीनों पॉलिसी में इन्वेस्ट करता है तो किस पॉलिसी में ज्यादा रिटर्न मिलेंगे, किस में क्या बेनिफिट मिलेगा, राइट। सबसे पहले समझते हैं एलआईसी जीवन लाभ पॉलिसी में, जिसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है विपिन। विपिन की एज 30 ईयर्स है, 30 साल की एज है विपिन की, और विपिन 10 लाख के सम एश्योर्ड की जीवन लाभ पॉलिसी लेता है, जिसमें विपिन का जो प्रीमियम होगा 10 लाख के सम एश्योर्ड के ऊपर, ये प्रीमियम जो बैठता है, ये बैठता है 53,601 रुपीज प्लस इसके ऊपर जीएसटी भी लगती है। अब जीएसटी कितनी है, 2412 का जीएसटी है, तो टोटल जो प्रीमियम होगा, टोटल प्रीमियम आपका बैठ जाएगा 56,013 रुपीज। ये प्रीमियम होगा फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर जो प्रीमियम होगा ये कम हो जाएगा। अब कम क्यों होगा सेकेंड ईयर प्रीमियम, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि पहले साल एलआईसी में प्रीमियम ज्यादा क्यों है और दूसरे साल प्रीमियम कम क्यों है, आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट करके मुझे बताइए। अगर नहीं पता है तो ढूंढिए कि क्यों प्रीमियम ज्यादा है कम है और कमेंट मुझे करिएगा, राइट। दूसरे साल का प्रीमियम कितना होगा, दूसरे साल का प्रीमियम होगा 54,807। ये दूसरे साल प्रीमियम जाएगा, ठीक है जी। तो विपिन जिसकी 30 साल है और 10 लाख समय शोर्ड की जीवन लाभ पॉलिसी लेते हैं, जिसमें उनको जो टर्म दिया हमने, पॉलिसी टर्म कितना दिया हमने, पॉलिसी टर्म है इसमें 16 साल, 21 साल और 25 साल। तो हमने इसमें पॉलिसी टर्म रखा है 21 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं, तो टोटल कितना पैसा पे किया 21 साल में, टोटल पेड प्रीमियम कितना है 21 साल में, वो मैं आपको बताता हूं। टोटल पेड प्रीमियम होगा 8,23,311 का प्रीमियम टोटल पे किया है। और रिटर्न कितने मिलेंगे मैच्योरिटी पर 21 साल के बाद, ये मिलेंगे आपको रिटर्न 20,24,000 के रिटर्न मिलेंगे आपको, ठीक है जी। 20,24,000 का रिटर्न आपको यहां पर मिल जाएगा। अब यहीं पर आपने देख लिया जीवन लाभ में कि टोटल प्रीमियम कितना पे किया है, 8,23,000 प्रीमियम पे करके आपको 20,24,000 मैच्योरिटी अमाउंट मिला है। अब दूसरी एलआईसी की पॉलिसी है, उसका नाम है एलआईसी जीवन उमंग। आपको किस पॉलिसी में जाना चाहिए वो हम इस वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। एलआईसी जीवन उमंग में भी सेम एग्जाम्पल यही है, राम है, मिस्टर राम, राम की एज सेम है 30 ईयर्स, 30 साल एज है, राइट। और जीवन उमंग में
कितने साल के लिए लेते हैं? 20 साल के लिए। यहां पर 21 साल था जीवन लाभ में और जीवन उमंग में 20 साल के लिए ये पॉलिसी लेते हैं, राइट। इसमें समय श्योर कितना रखा गया है? समय श्योर रखा है 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख का समय श्योर रखा है। तो प्रीमियम कितना होगा? प्रीमियम आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मोबाइल में एप्लीकेशन सभी के दिया हुआ है, खुद भी कैलकुलेट करिए। वैसे कैलकुलेट करके मैं आपको बताता हूं इसका जो प्रीमियम होगा 53,059, ये बेसिक प्रीमियम होगा, प्लस इसके ऊपर जीएसटी भी लगता है, ठीक है जी। तो इसका जो जीएसटी बैठता है 2,388, ठीक है। इसको टोटल कर लेते हैं 53,059 प्लस 2,388, तो ये बैठ जाता है 55,447, 55,447 ये टोटल प्रीमियम होगा, सॉरी फर्स्ट ईयर प्रीमियम होगा ये, फर्स्ट ईयर प्रीमियम। अगर कोई कंफ्यूजन है आपको, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा और हो सकता है मैं उस टॉपिक के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको दूं, राइट। ये फर्स्ट ईयर का प्रीमियम होगा और सेकंड ईयर का जो प्रीमियम होगा वो कम हो जाएगा, राइट। इसमें सेकंड ईयर का प्रीमियम हो जाएगा 54,243, राइट। ये 54,253 का प्रीमियम होगा सेकंड ईयर। तो इसमें कितना टोटल प्रीमियम पे किया गया है? टोटल जो पेड है प्रीमियम वो कितना आपने पे किया? कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिए। आपने 20 साल तक प्रीमियम पे करना है, टोटल 10,86,000 पे किया है, 10,86,000 आपने टोटल प्रीमियम पे किया है, ठीक है जी। अब इसमें रिटर्न क्या मिलेंगे? LIC जीवन उमंग प्लान में एकमुश्त रिटर्न नहीं मिलते हैं। इसमें आपको 20 साल के बाद, चूंकि पॉलिसी टर्म 20 साल है, तो 20 साल से लेकर 100 ईयर की एज तक आपको, 99 ईयर की एज तक लेकर आपको सम एश्योर्ड का 8% गारंटेड मिलता रहेगा, राइट। तो 30 साल की एज है तो 20 साल के बाद कितनी एज होगी? 50 साल। 50 साल से लेकर 99 इयर्स तक आपको कितना मिलेगा? 10% ऑफ सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड 10 लाख है, सॉरी 8% ऑफ सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड कितना है? 10 लाख। इसका 8% कितना होगा? 80,000। तो 80,000 रुपए आपको हर साल मिलता रहेगा 99 इयर्स की एज तक, राइट। अब इस पॉलिसी में जब एज 100 ईयर हो जाएगी, 100 ईयर होने पर कितना पैसा मिलेगा? 1,15,00,000 रुपए, 1,15,00,000 रुपए, 1.15 crore, ये 100 ईयर पर मिलेगा। तीसरा प्लान है दोस्तों LIC जीवन लक्ष्य, LIC जीवन लक्ष्य, LIC जीवन लक्ष्य मेरा फेवरेट प्लान है, क्योंकि इस प्लान में आपको गारंटेड रिटर्न भी मिलते हैं, इस प्लान में आपका परिवार भी सुरक्षित है, आपके जीते जी भी और आपके ना रहते हुए भी आपका परिवार सुरक्षित है। तो यहां पर भी एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल है मिस्टर विनय, मिस्टर विनय जिनकी एज 30 ईयर है, राइट। सम एश्योर्ड 10 लाख, 10 लाख के सम एश्योर्ड की जीवन लक्ष्य पॉलिसी लेते हैं, जिसमें पॉलिसी टर्म रखी गई है 21 ईयर, ठीक है जी। 21 साल का पॉलिसी टर्म है। इसमें प्रीमियम फर्स्ट ईयर कितना होगा मैं बता देता हूं। फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम होगा इसमें 54,656 प्लस जीएसटी, राइट। जीएसटी इसमें बैठेगा आपका 2,460। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, टोटल कितना बना आपका? 57,116, ये फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है, फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर से जो आपका प्रीमियम होगा वो कम हो जाएगा। मैं बता देता हूं कि क्यों सेकंड ईयर कम होगा, क्योंकि पहले साल जो जीएसटी जाती है ये जाती है 4.5% फर्स्ट ईयर, और दूसरे साल जीएसटी जाती है 2.25%,
इसलिए दूसरे साल प्रीमियम कम है, जीवन लक्ष्य में भी, जीवन उमंग में भी और जीवन लाभ में भी। ठीक है जी, तो सेकेंड ईयर का जो प्रीमियम होगा ये हो जाएगा 55,886 का प्रीमियम होगा। टोटल कितना प्रीमियम जमा किया है, टोटल कितना पैसा जमा किया है, 10,07,000 10.07 लाख जमा कर चुका है कस्टमर, और उसको रिटर्न कितने मिलेंगे, रिटर्न मिलेंगे अप्रोक्स 21 लाख, 21 लाख रुपए मिलेंगे उसको 21 साल के बाद। अब ये पॉलिसी में समझते हैं और इन तीनों में फर्क समझते हैं। पहली पॉलिसी जो जीवन लाभ थी उसमें 8,23,000 जमा किया था, दूसरी पॉलिसी में कितना पैसा जमा किया है, 10,86,000 जमा किया है, और तीसरी पॉलिसी में कितना जमा किया है, तीसरी पॉलिसी में 10,07,000 जमा किया है। राइट, तो पहली ये जो पॉलिसी दूसरी पॉलिसी है ये आपको तब लेनी चाहिए जब आपको रेगुलर इनकम वाला प्लान चाहिए जिसमें गारंटेड इनकम मिलती रहे, तो आप इस प्लान में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको परिवार की सुरक्षा के लिए प्लान चाहिए तो आप या तो जीवन लक्ष्य में जाएंगे या फिर आप जीवन लाभ में जाएंगे। जीवन लाभ में आपने 8,23,000 जमा किया है और जीवन लक्ष्य में आपने 10,07,000 जमा किया है। जीवन लाभ में आपको लगभग 21 लाख रुपए मिलेगा मैच्योरिटी पर, और जीवन लक्ष्य में भी आपको 21 लाख मिलेगा। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क है डेथ केस में। डेथ केस में अगर जीवन लाभ में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में डेथ होने के समय पर जितना भी उसका समय श्योर्ड है वो समय श्योर्ड प्लस बोनस उसके नॉमिनी को मिल जाएगा और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। डेथ होने पर ही पॉलिसी क्लोज हो जाएगी, ठीक है जी। लेकिन जीवन लक्ष्य में कुछ अलग बेनिफिट है। जीवन लक्ष्य में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ 5 साल के बाद हो जाती है तो उस केस में देखिए क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। उस केस में अगर आपने टर्म राइडर दिया हुआ है, ठीक है, और पॉलिसी होल्डर की डेथ नॉर्मल होती है तो उस केस में 10 लाख रुपए तो फैमिली को तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है, 10 लाख रुपए तो फैमिली को तुरंत मिल जाएंगे। उसके बाद आगे के जितने भी प्रीमियम बचे हुए हैं वो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, पॉलिसी चलती रहेगी, और LIC हर साल 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपए पे करती जाएगी परिवार को मैच्योरिटी तक, हर साल 1 लाख रुपए भी मिलता जाएगा। और उसके बाद मैच्योरिटी पर पूरा मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलेगा 21 लाख रुपए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेरा जो सुझाव है आप लोगों को कि अगर आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कोई इन्वेस्टमेंट प्लान चाह रहे हैं तो मैं सजेस्ट करता हूं आपको कि LIC जीवन लक्ष्य पॉलिसी में आप जाइए, क्योंकि LIC जीवन लक्ष्य सिर्फ 2 लाख रुपए जमा करके, अगर आप 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, 2 भी नहीं है, लगभग 2.25 लाख के आसपास आप एक्स्ट्रा जमा कर रहे हैं, 2.25 लाख एक्स्ट्रा जमा करके आपको इतने सारे बेनिफिट LIC जीवन लक्ष्य प्लान में मिल रहे हैं। राइट, तो मेरा सुझाव है कि अगर आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कोई फाइनेंशियल प्लान देख रहे हैं तो आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी के हिसाब से जीवन लक्ष्य प्लान में जा सकते हैं। तो अगर आपका कोई सवाल है, आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और खासकर इंश्योरेंस एडवाइजर, अगर इंश्योरेंस एडवाइजर कस्टमर ढूंढने में असमर्थ हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर को कस्टमर नहीं मिल पा रहे हैं, तो अब चिंता नहीं करनी है, क्योंकि सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए मैंने लॉन्च कर दिया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जो आपकी मदद करेगा कि किस तरीके से आप ऑनलाइन गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा कस्टमर ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, जिसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, और यहां पर जाकर आप सर्च कीजिए अमित त्यागी, AMIT अमित TYAGI, अमित त्यागी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, और उसके बाद हमारा कोर्स वहां पर दिया हुआ है, उस कोर्स को आप देख सकते हैं। 2 वीडियो बिल्कुल फ्री है, आगे की वीडियो आप तभी देख पाएंगे जब आप कोर्स में एनरोल कर चुकेंगे। अभी बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट है, तो अगर आप भी अपने सपने पूरा करना चाहते हैं तो ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपकी बहुत मदद करेगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, आप जरूर इस साल MDRT CUT TOT करें, और अगर आप एक कस्टमर हैं तो अभी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अभी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लें, इंश्योरेंस पॉलिसी लें, ताकि आपका परिवार आपके जीते जी भी खुश रहे और आपके ना रहने पर भी खुश रहे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।